जा, ये सेकंड चल रहा है, वो उधर जा रहा है। तो धर्मपाल साहब ने लगाया है 54% पर एंड अनुपमा ने लगाया है 46% पर। आइए देखते हैं कि रोलू द गोलू क्या कहता है इस सिचुएशन के बारे में। It is very high, 63%. Sweet tooth wale Indians and chupke khana gharon mein from family, that means sugar, diabetes ka bahut bada problem hai. Aur sir, kamal ho sir. Aapse aisi शायद गंभीर सवाल पूछने चाहिए क्योंकि आपका खाता इसमें खुल गया सर, आप अब जाके ख्याली 20,000 रुपये जीत चुके हैं अब। अच्छा, ये अगर सवाल का सही जवाब दे दी थी तो फिर ये खेलती नेक्स्ट राउंड हमारे साथ, अब क्योंकि आपने दिया है तो अब आएगा चौथा सवाल। चौथा सवाल ये है कि खतरनाक सवाल है। ऐसा लग रहा है सर, याद है ना कितने प्रतिशत भारतीयों को स्कूली दिनों में कभी अपने टीचर से प्यार हुआ है? नाम क्या था बता दो सर, नाम क्या था बता दो ना। ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं ऐसे अरे लुक एट इतने सालों बाद अभी भी अगर इतना ब्लश कर रहे हैं तो प्यार सच्चा होगा। दुख होता है सर जब स्कूल के दिन आपको याद आते हैं, कॉलेज में, कॉलेज में नाम क्या था अभी बता दो तो उनको, उनको ही पता चले कि एक ऐसा कॉलेज में एक गबरू नौजवान स्टूडेंट था who fell in love with me। सुमन। हाँ सुमन सर, सुमन तो मेरी थी सर, सुमन तो मेरी थी, सुमन मैम। क्या सर ऐसा नहीं करते सर, यू फॉल इन लव, अब उनकी कहीं शादी हो गई होगी, बच्चे अच्छे हो गए होंगे सर, वो आप खामा खाम सर घर में झगड़े लगा थोड़े समय के लिए था वो सर, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए था वो बस। सो व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस हैव एट लीस्ट वंस फॉलन इन लव विद देयर टीचर ड्यूरिंग देयर स्कूल डेज? आप टीचर का मतलब फीमेल टीचर ही नहीं, मेल भी होता है। अच्छा यार आस्किंग मी, हां ओके, नहीं चलो आप दोनों के पास 15 सेकंड है, ऑन योर मार्क्स गेट सेट रेडी गो। It's a very common thing. Yeah. When the teacher is very nice to you and stuff like that, and you know, especially, you know, she takes care of you. So, like respect, whether say you, you know, tend to fall in love. Especially boys. Yeah. Huh? Boys. Before. Boys and girls also. Mm-hmm. Girls also. Just out of mark of respect, and that the teacher is a really nice, nice teacher, you tend to get emotionally involved with the teacher. So, आपने लगाया, जिनको प्यार था उन्होंने लगाया 27%, जिनको प्यार नहीं था
उन्होंने लगाया 64% पर। आए देखें कि रोलू दो गोलू क्या बोलते हैं, जिनको प्यार था जिन्होंने कम लगाया वो जीतते हैं, या जिनको प्यार नहीं था जिन्होंने ज्यादा लगाया है अनुमान वो जीतती है। सर प्यार करने वाले हार गए सर, I'm so sorry. So 52% यानी के अनुपमा जीत गई, 60,000 जीत चुकी हैं अनुपमा। ये रहा आपका आखिरी सवाल। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि के न्यूक्लियर फैमिली की तुलना में जॉइंट फैमिली में रहना ज्यादा अच्छा है? व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस बिलीव दैट लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली इज बेटर देन लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली? आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं? आप न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, जॉइंट फैमिली से निकल के न्यूक्लियर फैमिली बनाया है जो कि वापस से जॉइंट फैमिली हो जाएगा, या ऑलवेज न्यूक्लियर? ऑलवेज न्यूक्लियर, ये विद पापा, विद पापा मामा, मामा यू, या अभी भी पापा मामा के साथ हो? नहीं नहीं, हस्बैंड एंड किड्स। अच्छा, लवली लवली। तो यू वुड वांट योर हस्बैंड योर किड्स आल्सो टू वंस दे गेट मैरिड मूव आउट, और यू? या आई वांट देम टू गेट मैरिड एंड जाओ घर से बाहर निकलो जल्दी से जल्दी। नहीं जल्दी से जल्दी नहीं, बेटर इफ दे स्टे अवे, बेटर इफ दे स्टे अवे। सर आप सर न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली से? न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन जॉइंट फैमिली से निकले हो न्यूक्लियर फैमिली में, या नहीं? जॉइंट से न्यूक्लियर में। जॉइंट से न्यूक्लियर, कितने पीढ़ी से जॉइंट 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 चलता रहा है और आपने जॉइंट को तोड़ दिया? तोड़ा नहीं, बस आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज? तो पापा, आपके पापा आफ्टर मैरिज, या वो अपने पापा के साथ रहे? पापा की डेथ पहले हो चुकी है मैरिज से पहले। अच्छा, मदर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। बट वो आपके पापा, आपके पापा उनके पापा के साथ रहते थे या वो भी साथ में रहते थे? साथ में रहते थे। तो आपकी अभी मम्मी उनके साथ रहती हैं या नहीं? पापा तो नहीं, मेरे को जर्नलिस्ट बन जाना चाहिए। मदर हैं? मदर हैं। हाँ, आपके साथ रहती हैं या अभी सिस्टर के पास? कभी हमारे पास आती, कभी उनके पास चली जाती। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप, तो हमारा भी एक जॉइंट फैमिली का चक्कर था, अभी भी हालांकि सब सेपरेट रहते हैं लेकिन जॉइंट फैमिली का ही माहौल है बिकॉज दे एट होम एवरी डे। सो आप दोनों के पास 15 सेकंड का वक्त है। ऑन मार्क्स गेट सेट रेडी गो। आपने लगाया 40% पर, आपने लगाया 26% पर। आए देखते हैं रोलू द गोलू क्या बोलते हैं। percent 26% 60% people, what percent of Indians believe that living in a joint family is better than living in a nuclear family? And it's also very convenient ki live in a joint family to aap to kaam waam pe chale jate ho, aapke bacche hote hain to phir maa ko wo daima bana dete hain, grandmother ko।
So the kids are taken care of. जब आप घर पे आते हो वापस से, so then the food, everything is laid out. So it becomes a very, very easy way of living for them. Also, grandparents feel very happy के बच्चा साथ में है. And the grandchild से बड़ा attachment हो जाता है उनको. या तो फिर न्यूक्लियर फैमिली रहते हो, फिर वो आना जाना, मिलना जुलना वो बहुत कम होता है. द चाइल्ड शुड ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू द ग्रैंड पेरेंट्स, सो दैट वो एक कल्चर जो जो कि खो रहा है वो ग्रैंड पेरेंट्स में अभी भी इंटैक्ट हैं. और क्योंकि दे आर मच ओल्डर, तो दे आर अ लॉट मोर सेंसिबल एंड दे आर लॉट मोर पेशेंस विद किड्स. दैट सो बेसिकली सर हुआ ये है कि आपने कितने जीते हैं? 360,000. और आपने जीते हैं 40,000. सो अब वो शो के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने जीते हैं 40,000, तो ये अगर जीती 1,00,000 रुपए तो 10 times 10 fold जाता. ये इन्होंने इनको रोका है वो 40,000 रुपए जीत कर. सो नाउ व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट राउंड, मैक्सिमम यू कैन अर्न इफ यू गेट ऑल द पांच अनुमान राइट, जवाब राइट, यू विल मेक 6 lakhs. अगर ये 40 यहां पर आ जाते तो फिर आप जीत पाते 10 lakh एंड देन 1 crore. तो सर कहां बैठेंगे आप? अच्छा रुको सर, ऐसे थोड़ी खाली हाथ थोड़ी जाने देंगे आपको. एक वो हैम्पर जो हमारे पास है जो कि 10 साल से हमने रखा है पिछले एपिसोड. ये सर ये नहीं है सर, ये है. ये है. थैंक्स सलमान भाई.